राखी सावंत से स्वयंवर में प्रपोज करने के लिए कुछ दुनिया के अजीब अजीब और अमीर आदमी, गरीब नहीं कहेंगे, हमारे कवि मित्र एहसान कुरैशी, जिनको मैं आप लोग तो जानते होंगे, उनका थैंक यू, उनका स्टाइल ऐसा है, मैंने एहसान भाई से कहा, एहसान भाई शाम का खाना हम साथ में खाएंगे, शाम का खाना साथ में खाएंगे, तो शाम क्या खाएगा? मैंने कहा भाई शाम नाम नहीं है, शाम इवनिंग में खाना खाएंगे हम लोग, एन इवनिंग इन टेरिस, ओके। एहसान कुरैशी चले गए राखी सावंत के पास अपने प्यार का इजहार करने के लिए। राखी 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 बनोगी क्या मेरे भतीजों की काकी, तू शराब में साकी, बस दुआ चाहिए तेरी माँ की। बोले माँ उस तरह पर जाइए, अब माँ एक्सचेंज। हमारे गौरव शर्मा भी चले गए कवि मित्र। राखी जी मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं वैसे गरीब आदमी हूँ लेकिन मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ, प्रेम के मामले में अलग हूँ, मैं तो ऐसा प्रेम करता हूँ आपसे, उसके मामले में मैं मतलब सबसे आगे हूँ, राखी जी मैं प्यार करता हूँ, प्रेम कर। राखी ने कहा बेटा मुझे पति चाहिए, बच्चा नहीं, जब मुझे बच्चा गोद लेना तू आ जाना, बच्चे का समय मैं करूँगी। मैं इनके पीछे हमारे हिंदुस्तान के सबसे बुजुर्ग कुंवारे पहुंच गए, अटल जी चले गए अपने स्टाइल में, अपने मजबूत कदमों से पहुंच गए वहां पर, मजबूत कदमों से सशक्त कदमों से पहुंच गए वहां पर। सर बोलिए। सर आशीर्वाद देते रहेंगे, बोलेंगे कुछ भी? तुम तो नहीं, मैं तो बहुत दूर से आया हूं। राखी हमने आपके स्वयंवर के बारे में सुना, तो स्वयं वर बनकर आ गए। आपकी सुंदरता के सामने हमने घुटने टेक दिए, अब दम घुटने लगा है। हमसे विवाह कर लो। किसने संभाला? आडवाणी जी आपने सपोर्ट किया मुझे? हाँ मैंने सपोर्ट किया है मैंने। आप अपनी वाणी मत निकालो, आपकी वाणी बड़ी ऑड है, ऑड वाणी। राखी हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन सर आप तो अटल है, अब सेटल हो जाऊंगा। इनके पीछे पहुंच गए उर्दू के दुकान जावेद अख्तर साहब। अब जावेद अख्तर साहब चले गए और राखी जी को अपने अंदाज में कहते हैं, देखिए जहां तक मेरी मालूमात है, हाँ? तलफ़ुस जो है इंसान के फुस नहीं होने चाहिए। तो राखी ने कहा सर आप मुझे प्रपोज करने आए, डराने आए हो, चिढ़ाने आए हो? भाई देखिए मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, निकाह आपसे होना लाजमी है क्योंकि मेरी बीवी शबाना आजमी है। मैं आपसे निकाह करना चाह, आप है कौन? मुझे नहीं पहचाना, मैं जावेद अख्तर शबानाज आदमी, मेरी बीवी जो है वो बेगम अख्तर है। इनको प्रपोज करने के लिए भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी भी पहुंच गए। रागी जी हम बिग बॉस से आया हूँ। बोले कौन से बॉस से? बिग बॉस। खूब पैसा कमाया हूँ, हमसे शादी कर लो, अब तो हम फिल्म भी प्रोड्यूस करने वाले हैं। कौन सी फिल्म प्रोड्यूस करोगे? श्वेता तिवारी और हम, हीरो हीरोइन, पिक्चर का नाम होगा मैं तिवारी तू तिवारी। गोरजिला की हिंदी रीमेक बनाऊंगा, उसका नाम क्या होगा? गोंडा जिला। एक मर्डर फिल्म है उसकी भी रीमेक बनाऊंगा। अच्छा, मल्लिका शेरावत की मर्डर फिल्म, उसकी रीमेक, उसका नाम क्या होगा? भाग मल्लिका,
शेर आवत है। महिलाएं, महिला के बारे में जब भी बात करता हूं मैं हिला रहता हूं। हमेशा उनको हमेशा लगता है कि उनको हमें तो मर्दों ने हमेशा हमें बहुत पीछे रखा है, हमेशा हमें तो दुय्यम दर्जी का स्थान दिया जाता। बहन ऐसा क्यों कहती है आप बस में जा रही हैं, बस में सामने की दो सीटें लिखा होता केवल महिलाओं के लिए, अब और कितना आगे बढ़ेगी आप? क्या ड्राइवर की सीट पर बैठ जाएगी? और अगर ड्राइवर पे सीट पे बैठ भी जाते तो फिर आप ड्राइवर नहीं ड्राइव वधू हो जाओगी। ड्राइव वधू। अब आप देखिए झगड़े में आप झगड़ा कर रहे हैं किसी के और किसी के साथ में और गलती से आपने बोल दिया तू शैतान की औलाद है, महिलाओं का मोर्चा वहां पहुंच जाएगा। क्या बोला आपने? शैतान की औलाद है, चुड़ैल की औलाद नहीं कह सकते? महिलाओं को क्यों पीछे रखा जा रहा है? चुड़ैल की औलाद कहो, चुड़ैल की औलाद, बस नारी शक्ति जिंदाबाद। तो ये क्या है, महिलाएं जो है हमारी जो बहने हैं, बहने जो है हमेशा एक ही बात पहने और वो गहने। पति का तो दिमाग खराब कर देती है, मुझे नेकलेस चाहिए, मुझे नेकलेस चाहिए, मुझे नेकलेस चाहिए प्लीज, नेकलेस नेकलेस नेकलेस। पति के मन से पता नहीं क्या बद्दुआ निकली, रात को सो रही थी सामने भूत देखा वो भी सर कटा, आप कौन? नेकलेस। महिलाओं को आपने देखा होगा शमशान में अलाउड नहीं करते, एंट्री नहीं देते, क्योंकि उनको लोगों को डर है कि जो चीता विधिवत जलाने वाले हैं वो महिलाओं की एंट्री की वजह से पहले ना जल जाए। क्योंकि हर औरत मुंह से आग उगलती है, हर औरत। अच्छा महिलाएं जो है उपवास बड़ा रखती है। मैंने कहा बहन जी आप क्यों रखती? घर की शांति के लिए, सुकून रहे शांति रहे इसलिए मैं उपवास रखती हूँ। मैंने कहा बहन अगर आप चाहती कि वाकई घर में शांति रहे तो आप व्रत तो रखो लेकिन खाने का व्रत मत रखो, मौन व्रत रखो, बिल्कुल शांति रहेगी। पति पत्नी जब निकलते हैं वॉक करने के लिए वो ऐसा लगता है कि वॉक नहीं कर रहे वो भटक रहे, भटक गए, क्योंकि पति पत्नी प्यार भरी बात भी करेंगे तो झगड़ा ही लगता है। पति ने बेचारे हिम्मत कर दी बात करने की, ये जो साड़ी पहनी है अच्छी लगती है तुम पे साड़ी है। पत्नी आज दिखाई दी है साड़ी, 5 दिन से यही साड़ी पहन रही हूँ। हाँ मुझे याद है ये तुम्हारे पिताजी ने दी थी ना, मेरे बाप के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला ना यही पटक के मारूंगी। पीछे भेल वाले भाई ने देखा, भेल वाला भैया, उन्होंने देखा कि पत्नी जो है पति को डांट रही है तो भेल वाला भैया गाने में शुरू हो गया, कहता है जब वाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल हाथ जोड़ के उसको बोल, जब वाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल हाथ जोड़ के उसको बोल खा लो भेल। अरे कोई ना जाने तेरा फ्यूचर क्या होगा, इसके हाथ में अब तेरा नेचर होगा, तो हाथ घुमा बटवा निकाल पैसा निकाल के बोल बीवी खा लो भे, ओ बीवी खा लो भे। पत्नी का अगर फोन आ जाए पति को, आप देखिए अच्छा खासा हंसता खेलता है आदमी, कम ऑन डांस लाइफ इज एंजॉय, ओ कम ऑन या, इतने पत्नी का फोन आ गया नाश्ता हुआ आदमी वायर बटर पे आ जाता है। अब फोन काट दे इतनी ताकत परमात्मा ने इसे नहीं दी, बात करने पड़ेगा। अब हंसता खेलता आदमी पत्नी से बात कर रहा है, अरे खाने के बारे में क्या मुझसे पूछ रही, क्या बनाएगी? जहर बना ले, जहर बना ले, मैं तो लेट हो जाऊंगा भैया तू खा के सो जाना ठीक है। पत्नी के सामने आदमी हास्य का शो एंजॉय नहीं कर सकता, हंसी का शो, पति हंस दे तो पत्नी उसको शक की नजर देखती, पता नहीं क्यों हंस रही है, पति हंसा पत्नी तबे तो ठीक है ना, अगर सामने अगर मलिका शेरावत डांस कर रही है माया माया ये
पत्नी का क्या देख रहे हैं आप? मलिका दीदी कितना चढ़ा डांस करती है ना, रिश्ता चेंज करना पड़ता है। महिलाएं महान है, ग्रेट है, महिलाएं हैं, हम दही लाए हैं मगर फिर भी सही लाए हैं। थैंक यू वेरी मच। बाबा रामदेव जी क्यों हंसी आई? कोई हंसने वाली चीज है? हरियाणा से है। बाकी स्टेट की बात और हरियाणा की बात कैसे अलग है मैं बताता हूँ आपको। बाकी स्टेट ने दुनिया को इतने धनवान दिए हैं, हरियाणा ने उतने ही पहलवान दिए हैं। मलिका शेरावत और बाबा रामदेव जी हरियाणा से है। कैसे? दोनों का ड्रेसिंग सेंस एक जैसा ही है। मतलब लोगों को देश निकाला मिलता है, इनको ड्रेस निकाला मिला है। बाबा रामदेव जी सुबह सुबह आ जाते हैं 4-5 बजे टीवी पे, लोगों से कहते हैं गुरु जी अच्छा कर रहे हैं, मैं तो माइक चेक कर रहा हूं। और नहीं शुरू करते हैं, योगा से होगा, योगा से होगा, योगा से होगा, वरना किसी के बाप से भी नहीं होगा। योगा से होगा। मैं भी योगा से ही हुआ हूँ। योगा से होगा, योगा से होगा, योगा से हर बीमारी ठीक हो जाती है। पता नहीं मेरी आँख क्यों नहीं ठीक हो रही है। उनके तरह तरह के उपाय हैं, आसन करो, ये करो, योगा करो तो योग आपसे मिटेंगे हर रोग। और लोग करते रहते हैं। शिविर में देखिए आप, बड़े बड़े लोग लगे हुए थे, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं आप। मैं तो घर वालों को बोल रहा हूं कि मैं हूं अभी। मम्मी पापा गया नहीं, ये बुढ़िया क्या कर रही, मर गई क्या बुढ़िया? मर गई, मरे तेरी अम्मा, हम तो शवासन कर रहे हैं। क्यों? ताकि फिगर ठीक रहे। फिगर ठीक रहे? ऑलरेडी मदर फिगर है तू। क्या नाम है तेरा? शीला। शीला का बुढ़ापा? बुद्धि भ्रष्ट तो कई बार सुना है, ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।